नमस्कार। हाँ जी, राजस्थान, रीफ राजस्थान की बात करेंगे आज। हाँ, आपके काफी सारे सवाल है भैया। हमारी रीफ रैंक आ गई है। हाँ, हमारी 100 रैंक है, हमारी 200 है, हमारी 500 है, हमारी 1000 है भैया, हमारी 3000 रैंक है। हमको क्या मिलेगा, कौन सा इंस्टीट्यूट, कौन सी ब्रांच, कौन सा लोकेशन, हाँ कौन सा इनोवेशन, कौन सा टेक्नोलॉजी, कौन सा कॉलेज, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, वैसे तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको TFWS सीट मिल रहा है भैया जी। TFWS, हाँ, ट्यूशन फीस वेवर सीट, वो क्या होता है वैसे, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ जी, जे एक एक जो कॉलेज होता है उसकी सबसे ज्यादा जो बड़ा जो मोटा पैसा होता है वो क्या होता है, वो सी उसकी ट्यूशन फीस। हाँ जी, लाखों रुपए होती है। अगर एक कॉलेज की 8 लाख टोटल फीस है, देन उसकी अब 6-6.5 लाख तो ट्यूशन फीस होगी भैया। हाँ जी, वो क्या होती है, वो आपकी माफ हो जाती है। बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स क्या चाहते हैं भैया, ये जयपुर वाले जो बड़े बड़े कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज है, लग्जरी लाइफ, बड़े बड़े रूम, बड़े बड़े कॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इसके अंदर हमको TFWS सीट मिल जाए, मजा आ जाएगा, जिंदगी गुजारेंगे, नौकरी लगे ना लगे, 4 साल की ऐसा आराम की जिंदगी रहेगी, फीस बिल्कुल लगेगा नहीं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। वैसे पहले आज हम बात करेंगे TFWS रैंक वाले बच्चों को कितनी रैंक तक सीटें मिलती है। हाँ जी, एक जो कॉलेज होता है उसके अंदर जो ब्रांच होती है, जैसे आपकी कंप्यूटर साइंस है, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो भी डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर टोटल जो TFWS सीट होती है वो 2 होती है। हाँ जी, एक डिपार्टमेंट के अंदर 2 सीटें, जो एक कॉलेज होता है उसके अंदर मैक्सिमम आप ही मान के चलिए 14-15 सीटें होती है TFWS की। हाँ जी, राजस्थान के अंदर अगर वैसे बात करूं अब कुछ अच्छे कॉलेजों की, आप तो टोटली आपको मिलेंगे 14-15 कॉलेज। हाँ जी, मैक्सिमम बता रहा हूं, वैसे तो बहुत सारे कॉलेज हैं। हाँ जी, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, पाली, बीकानेर, नागौर, सीकर, राजस्थान, हाँ वैसे तो बहुत सारे कॉलेज है, लेकिन अगर अच्छे कॉलेजों की बात करें, हाँ ऐसा नहीं कि कहीं बेकार कॉलेज में तुमको TFWS सीट मिल रही हो, निकल जाओ भैया। हाँ जी, फीस तो लग नहीं रही है, नौकरी लगे ना लगे, हमारा पैसा तो बिल्कुल लग नहीं रहा, चलो पढ़ लेते हैं। हाँ, 4 साल बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। हाँ जी, अभी तुम्हारी एज 18-19 हो चुकी होगी। हाँ, आज से 4 साल बाद में 24-25 साल हो जाएगी। हाँ, शादी की उम्र हो जाएगी, नौकरी की उम्र हो जाएगी। वैसे राजस्थान वालों के लिए तो सभी लोग बोलते हैं, हाँ पिसो धंधो व्यापार मकान दुकान, हाँ फिर वो नहीं हो पाएगा, हाँ समझ रहे हो तुम लोग मेरी बात। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले जो 14-15 कॉलेज है उनके अंदर टोटली सीट कितनी हो गई, एक कॉलेज में 14-15 खास सीटें हैं, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 15 × 15 ऑलमोस्ट 150 से 200 सीटें हैं, तो आपकी अगर इतनी रैंक आ रही है। हाँ जी, आपकी अगर आपको कोई टॉप कॉलेजों में जाना है तो उसके लिए तो आपकी TFWS रैंक ऑलमोस्ट 20 तक आ रही है तो आपको मिल जाएगा, वरना जनरली जो है ये एडमिशन ऑलमोस्ट 100 के आसपास भी अगर आपकी रैंक आ रही है तो उसके अंदर भी मिलता है। हाँ, TFWS एक बहुत छोटा सा डिपार्टमेंट है, खैर हमारा मुद्दा है राजस्थान वाले बच्चों के लिए, रीप रैंक भी आ चुकी होगी। एक तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है भैया ऑब्जेक्शन। हाँ जी, आपको कोई ऑब्जेक्शन है आपकी रैंक के ऊपर, आप जरूर से दाखिला डायल कर सकते हो, भैया मेरी इतनी रैंक कैसे आई, हाँ मेरी थोड़ी ज्यादा रैंक आनी चाहिए थी, या फिर मेरा डॉक्यूमेंट इश्यू है। हाँ, ऑब्जेक्शन के अंदर बेसिकली एक ये इश्यू आएगा आपका, अगर डॉक्यूमेंट इश्यू है कैटेगरी वाला स्पेशली भैया, हाँ तुमको कैटेगरी सर्टिफिकेट देगा नहीं, वो तुमको जनरल रैंक थमा देगा, भैया तेरा कैटेगरी में इश्यू है, मेरे को तेरा कैटेगरी सर्टिफिकेट सही नहीं लगा, इसलिए मैं तेरे को कैटेगरी में रैंक नहीं दे रहा हूं। अगर तेरे को लगता है कि तेरी कैटेगरी सही है, देन आपको जो है अपना सर्टिफिकेट फिर से वहां पे अपलोड करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वहां पे देने पड़ेंगे उनको कि भैया मेरे ये डॉक्यूमेंट सही है। हां जी, मेरा फिर से चेक करो तुम, 15 तारीख तक का ऑलमोस्ट आप लोगों के पास टाइम है। वैसे अगर बात करूं आप लोगों की चॉइस फीलिंग की, हां जी काफी सारे बच्चों के ये भी सवाल रहते हैं, भैया मेरी 200 रैंक है, मेरी 100 रैंक है, हाँ तो आपको कौन से कॉलेज का CSE मिल सकता है मेरे को, हाँ MBA मिल सकता है कि नहीं, CTI मिल सकता है कि नहीं, ये JCRC, पूर्णिमा, जयपुर वाले बड़े बड़े कॉलेजों में इनमें जाना है भैया, हाँ इनमें तो TFWS मिल जाए तो मजा आ जाए, बड़ी बड़ी लश्करी लाइफ बिल्डिंग, हाँ एकदम चक्का चौंध वाली जिंदगी, हाँ क्या ऐसे भी आप लोगों के सवाल है।
वैसे यार जनरली जो रैंक रहता है आपकी, अगर रैंक ऑलमोस्ट 100, 200, 500 के आसपास आ रही है, 500 तक अगर आपकी रैंक है रीप के अंदर, तो ऑलमोस्ट आपको ठीक ठाक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजों में लास्ट ब्रांच तक मिल जाएगा, चाहे वो केमिकल हो, प्रोडक्शन हो, कुछ भी हो, MBMC, TAE, RTU, हाँ अजमेर, ये जितने भी कॉलेज थे 3-4 ठीक ठाक कॉलेज जिनको माना जाता है, अच्छी लोकेशन है, अच्छा इंफ्रा है, इंफ्रा खैर नहीं है, हाँ लोकेशन ठीक ठाक है, बस और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो ऑलमोस्ट 500 रैंक तक मिलता है। अगर आपकी रैंक हजारों में है, लाखों में है, तो आई थिंक आपको जो है बाहर निकल जाना चाहिए। यार आप लोगों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रखी होगी, मेरे को कौन सा कॉलेज लूँ, अच्छा कॉलेज कौन सा है, बुरा कॉलेज कौन सा है, देन आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कुछ अच्छे कॉलेज, जैसे कि पंजाब हो गया, हाँ उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये जो अलग अलग स्टेट है, वैसे आज देश के सबसे ज्यादा अगर इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की जाए तो महाराष्ट्र के अंदर ऑलमोस्ट 9400 के आसपास इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो आप लोगों को उधर की साइड निकल जाना चाहिए। राजस्थान में तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम कॉलेज 15 से ज्यादा अच्छे कॉलेज आपको नहीं मिलेंगे, और उनके अंदर भी मैक्सिमम आप ये मान सकते हो कि 250 से ज्यादा एक कॉलेज में सीटें नहीं है। टोटल अप्लाई करने वाले बच्चे जो है 7000 से ज्यादा है। आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, आपके लिए बेस्ट ब्रांच कौन सा रहेगा, हाँ जी लोकेशन, इंफ्रा, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, अब इसके लिए हमारा बोर्ड लाइन नंबर दिया है, इस पर आप लोग कॉल कर सकते हो, या फिर हमारा जो है रीप का इंजीनियरिंग का स्पेसिफिक एक प्लान चलता है, हाँ जी कंप्लीट दुनिया का सबसे अफोर्डेबल इंजीनियरिंग काउंसलिंग प्रोग्राम, आप लोग उसमें जो है जरूर से जाके एनरोल कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक ज्यादा चार्ज नहीं है उसके, पिज्जा के पीछे भी कम ज्यादा चार्ज है उसका, हाँ उसके अंदर आपको इंडिया की जितने भी काउंसलिंग है, चाहे वो जोसा हो, सीसे हो, पंजाब हो, गुजरात हो, हाँ वेस्ट बंगाल हो, महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं यार, क्योंकि वहां पे इंजीनियरिंग कॉलेज काफी ज्यादा है, इंफ्रा भी अच्छा है, कंपनीज भी है, फैक्ट्रीज भी है। बेंगलोर को आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा टारगेट करना चाहिए, क्योंकि बेंगलोर के पास आज सब कुछ है, इंफ्रा, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, फंडिंग, R&D, डेवलपमेंट, सब कुछ टोटली आज बेंगलोर के पास है, आप लोगों को यार जरूर जाना चाहिए बेंगलोर की तरफ। और भी आप लोगों को कोई सुझाव है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, आप लोगों को कोई सवाल है आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं भैया, हाँ जी आपको कोई स्पेसिफिक एडमिशन लेना है, आपके कम स्कोर है, लो स्कोर है, अच्छा कॉलेज चाहिए, प्राइवेट कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, राजस्थान में चाहिए, बाहर चाहिए, राजस्थान से बाहर चाहिए, आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है भैया, कौन सा सब्जेक्ट ले 10 साल बाद जो चले, 15 साल बाद जो चले, हाँ जी, तो उसके लिए भी आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं।